और इसी बीच एक बड़ी खबर, बहराइच हिंसा के आरोपी का एनकाउंटर हो गया है। आरोपी सरफराज और तालिब सरफराज का एनकाउंटर हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच हिंसा का आरोपी एनकाउंटर कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच हिंसा जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त इंडिया टीवी पर देख रहे हैं, राम गोपाल मिश्रा की सरेआम गोली कर दी गई। इसका आरोप सरफराज पर लगा। सरफराज कौन? अब्दुल हमीद का बेटा, जो इस पूरी घटना के बाद से फरार चल रहा था। सरफराज का एनकाउंटर कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राम गोपाल मिश्रा की हत्या का आरोपी सरफराज का एनकाउंटर कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच हिंसा के आरोपी का एनकाउंटर हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से, एक हत्या के जवाब में एनकाउंटर, ये सवाल पूछा जाएगा, लेकिन वो आगे की बात है। कहां ये एनकाउंटर हुआ, किन परिस्थितियों में एनकाउंटर हुआ, क्या सरफराज ने ही अपनी बंदूक से राम गोपाल मिश्रा को गोली मारी थी? न सिर्फ सरफराज, इस पूरे मामले में आरोपी तालिब अब्दुल हमीद जो अब तक इस में फरार चल रहे थे, सरफराज का एनकाउंटर कर दिया गया है। ये देखिए तस्वीर, सरफराज इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। हिंसा के दिन की ये तस्वीर, उसी छत की जहां पर राम गोपाल मिश्रा का मर्डर किया गया, सरेआम उसकी हत्या की गई। आपको याद दिला दें, राम गोपाल मिश्रा के परिवार वाले अगले दिन यही मांग कर रहे थे, वो क्या, हमें एनकाउंटर चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें बदला चाहिए। और अभी ये खबर आ रही है सरफराज का एनकाउंटर कर दिया गया। क्या पुलिस सरफराज को पकड़ पाने में नाकामयाब रही? बड़ा सवाल ये। नेपाल की तरफ भाग रहा था सरफराज। पहले खबर यही आ रही थी कि अब्दुल हमीद अपने परिवार के साथ नेपाल में जाकर छिप गया है।